हेलो गाइस, कैसे हो सब आप। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की मेरी ब्लॉगिंग है गाइस, मैं निकला हूँ मुंबई की तरफ, मुंबई जा रहा हूँ मैं, और वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ ज़ियारत करने के लिए हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा अस्पानी रहमतुल्लाह रसूलुल्लाह तआला के दर पे जा रहा हूँ, क्योंकि आज जुमे रात है, आज भरी मुराद है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलूँगा एक और आज दो जगह मैं जाने वाला हूँ गाइस, एक है हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा दरगाह और दूसरा है माहिम। और बाउद्दीन शाह बाबा दरगाह जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे तो मैं ज़ियारत करूँगा, दुआ मांगूँगा, मन्नत मांगूँगा, जैसा हर जुमेरात मैं हर जगह जाता हूँ, और ये जुमेरात भी मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ वहाँ की व्यूज़, वहाँ की चीज़ें उसकी भी मैं आपको व्यूज़ बताता हूँ। उससे पहले मैं विदा का बताता हूँ, और इसका कुछ 1500 किलोमीटर अप हो चुका है विदा का मेरी, फिर भी ये चलने में दमदार, अभी तक दम नहीं तोड़ी है, चलते जा रही है। और इसको मैं डेली भी यूज़ कर रहा हूँ, डेली भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिए, कोई तकलीफ नहीं दिए। अभी मैं आपको इसकी बैटरी बताता हूँ, ये देखिए इसकी बैटरी बैकअप बताता हूँ गाइस। आज का जो सीन है, आज की जो व्यूज़ है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप इतनी अच्छी है आज की। वो हमारी वीडियो को लेके निकल चुके हैं, वीडियो को अच्छे से मैंने क्लीन करके निकाला है, डायरेक्ट पहुँचने वाला हूँ अभी मुंबई। मुंबई के बाद मैं पहुँचने वाला हूँ हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा दरगाह, फिर उसके बाद निकलूँगा मैं माहिम की तरफ। तो माहिम की तरफ जैसे ही मैं जाऊँगा उसकी मैं आपको व्यूज़ बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको लेकर निकला है, इसकी देखो रेंज बताता हूँ एक और बार। ये देखिए रेंज है 107, बैटरी है 94 और सेकेंड बैटरी है 93, और इसका किलोमीटर हुआ है देखिए, ये देखिए 1541 गाइस, 1538 किलोमीटर हो चुका है, और 93 पे बैटरी है, 107 का रेंज दिखा रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज जो है रहेगी बहुत ट्रैफिक रहेगी, क्योंकि मैं डे के टाइम जा रहा हूँ। इससे पहले मैं जितनी भी शूट किया था सब नाइट की शूट किया था, तो आज मैं डे की तरफ जा रहा हूँ। डे में आज ट्रैफिक भी बहुत रहेगी, क्योंकि शाम का टाइम रहेगा, भीड़ का टाइम रहेगा, और फिर भी हमारी विदा कितना दम है इसके अंदर, कितना जाती है और कितना ये बैटरी इसकी ड्रॉप होती है, इसका रेंज कितना ड्रॉप होता है, मैं आपको इसकी प्रॉपर व्यू बताऊँगा जहाँ मैं जाने वाला हूँ मुंबई की तरफ। ओके गाइस, स्टे ट्यून। पहुँच चुका हूँ हमारे हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा के दर पे। यहाँ पे पहुँचने साथ ही मैं अभी ज़ियारत के लिए अंदर जाऊँगा, फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया है, 5:30 बजे की जमात है, उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से मखदूम शाह बाबा दरगाह, वहाँ मेरी फ़ाइनल ज़ियारत है, उसके बाद सीधा निकलूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर बैटरी बैकअप कितना बचा हुआ है, हम लोग ने कितने जल्दी यहाँ पे पहुँचाई हमारी वीडा ने, 77 का रेंज है और 70% बैटरी इसकी बाकी है। तो मैं अभी इसको करता हूँ ऑफ़, ये भी ऑफ हो गई, जितना हो सके मैं इसकी बैटरी बचा रहा हूँ। बैटरी बचाने के बाद फिर यहाँ से मैं निकलूँगा मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मेरा माहिम। माहिम जाऊँगा मैं, वहाँ आज जो जुमेरात है वहाँ पे एक बड़ी चिराग है, आज वहाँ पे समझो ना एक चिराग का बहुत अच्छा दिन है वहाँ का, और लोबान है, मेन लोबान में मिस नहीं करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। पहुँचने के बाद वहाँ पे भी अलग सी ज़ियारत है, मेन यहाँ का भी मुझे लोबान लेना था, लेकिन मेरे पास दो चीज़ कवर करना है, एक अपना बाउद्दीन शाह बाबा दरगाह, फिर उसके बाद मखदूम शाह बाबा। ओके गाइस, मैं अंदर जाता हूँ, अभी असर की नमाज है, नमाज की तैयारी करने के बाद दरगाह से ज़ियारत करके मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आने के बाद अभी मैं निकलूँगा एक प्यारी सी जगह में, इसका नाम है माहिम। माहिम के लिए काफ़ी लेट हो गया हम लोग को, वहाँ पर कुछ 6:40 की जमात है, तो उसके लिए अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। पहुँचना तो इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी विदा को लेके वहाँ पहुँचने की। ज़ियारत का जो मेरा काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी उससे पहले मैं आपको एक प्यारी सी व्यू बताता हूँ जो यहाँ पे बहुत फेमस है, जिसका नाम है बाबा जूस सेंटर। वो देखिए वो साइड में वहाँ, ये राजस्थानी बाबा जूस सेंटर, यहाँ की जो एक फेमस चीज़ है मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आइए, तो जो चीज़ की मैं तारीफ़ किया था वो चीज़ मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा के दर पे, उसके नेबर्स, उसके पड़ोस में ये राजस्थानी बाबा जूस सेंटर, केसर लस्सी बहुत ही फेमस है, हर जगह देखने नहीं मिलेंगे, ये मिट्टी के बर्तन में आता है। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कई किस्म की लस्सी मिलेंगी आपको, देखो मटका लस्सी है, दूसरी ये है अपना कैरेमल कस्टर्ड है, अरेबियन पुडिंग है, फ्रूट कस्टर्ड है, केसर लस्सी है। लस्सी के यहाँ पे स्पेशलिस्ट ये शॉप के है, ये देखिए केसर लस्सी, इसका टेक्सचर देखिए आप, मलाई का जो हिस्सा जो आता है ना, हम नॉर्मल लस्सी जो खाते हैं वो तो हर जगह मिलती है, और ये लस्सी की तो कुछ बात ही अलग है, बहुत फेमस है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, सैटरडे संडे इतना रश रहता है क्या बताऊँ, यहाँ पे ये मिलती नहीं है जल्दी,
इतनी थिकनेस, इतना एकदम अलग ही है खाने में इसका, क्या बोलो, कितनी तारीफ करो उतनी कम ही एकदम। इसका जो मीठापन है बहुत कम है, लेकिन खाने में जो थिकनेस है ना, पूरा टोटल मलाई से बना है, प्योर दूध आता है ना, टोटल मलाई से बना। ये देखिए मलाई जो उसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो मलाई का इतना बड़ा जो टेक्सचर दिया ना, वही समझो इसके अंदर जान डाल दिया, वही समझो खासियत है बहुत। तो बोलते हैं राजस्थानी केसरी लस्सी, आप कभी आएंगे तो यहाँ पे बाउद्दीन चा बाबा दरगाह, तो उनके पड़ोस में ही यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे हर एक 10 किस्म की चाय मिलती है, छोटी मटकी में, बड़ी मटकी में, और एकदम बिग साइज में। ये देखिए, और प्राइस भी कम है, 20, 30, 10, 5 रुपीज तक भी यहाँ पे टी आपको अवेलेबल मिलेगी। ये देखिए मलाई, देखिए ये दिख रहा है आपको, मलाई का जो इतना बड़ा हिस्सा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी जो लस्सी है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये तो ऐसी, ये तो इस तरह राजस्थान की लस्सी बनी है, जितना खाओ उतना कम है। तो गाइस लस्सी मेरी केसर कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद निकलूंगा मैं माहिम की तरफ, दरगाह की तरफ। ओके गाइस स्टे ट्यून, पहुंच चुका हूँ माहिम दरगाह। मैंने अपनी वीडा को वहाँ पार्किंग किया है, पार्किंग करने के बाद मैं अभी अंदर जाता हूँ ज़ियारत के लिए। मगरिब का टाइम भी हो गया है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। और मैं आपको बता दूँ आज वीडा कितना चली है इतने ट्रैफिक से। देखिए गाइस मेरा हाथ देखिए, पूरा हाथ मेरा इतना हो गया, इतनी ट्रैफिक थी आने के टाइम वहाँ से। जब हम लोग मुंबई से, मैं जब निकला माहिम के लिए आने के लिए, बहुत ट्रैफिक थी। और वीडा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी, बहुत उसकी बैटरी कितना बाकी है और उसमें परसेंटेज कितना बाकी है रेंज का, वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जाता हूँ अंदर ज़ियारत के लिए। ओके गाइस आइए, ज़ियारत मेरी कम्प्लीट हो चुकी है माहिम दरगाह में आकर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो टाइम इतना मैं यहाँ पे ये किया, और आज की जर्नी मेरी यहीं कम्प्लीट हो चुकी है पूरी। अभी थोड़ा मैं यहाँ पे इन लोग के लिए थोड़ा बिस्किट लेकर आया था इन लोग को बांटने के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए जुमेरात जो है बहुत ख़ास दिन रहता है यहाँ पे बांटने का। आप भी आएंगे तो आप भी ऐसी सबका खैरात करते रहो। चल बेटा जाओ भाई, ये लो इंशाल्लाह। ये देखिए अब्दुल शाह बाबा दरगाह आने के बाद यहाँ पे ज़ियारत करने के बाद, ये बहुत अच्छा काम है। एक मिनट दे रहा हूँ, देव छोड़ बेटा छोड़, ले रो मत। दो क्यों ले रहा है बच्चे, ले आना, चलो ए हम लोग खाएं। तो गाइस वीडियो आज की मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके गाइस मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, गुरु वन ब्लॉग। ओके टेक केयर, गुड नाइट, बाय।